जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है शाम का टाइम और यहाँ देखिए मैंने बेड शीट चेंज की हुई है, ये वाली हटाई है, वो धुल के रखी हुई थी ना, तो वो मैं इसमें बिछाने जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए ये वाली बेड शीट मैंने धुल के रखी हुई है, तो अब इसी को बिछाऊँगी, वो फिर कल धुल के डाल दूँगी। और इस वाली बेडशीट का कलर बहुत ही अच्छा है, उतना उस वाली का अच्छा नहीं है, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो और जब भी मैं बेडशीट बिछाती हूँ तो मैं गांठ बांध के ही चारों कोनों में बिछाती हूँ, जिससे क्या है ना, बिल्कुल भी इधर उधर खिसकती नहीं है, बिल्कुल सेट रहती है। और यहाँ मैं चेंज कर रही हूँ पिलो कवर साथ में, और यहाँ टेबल वगैरह भी सब रखी हुई है, सब हटाना है क्योंकि यहाँ सोफ़ा सेट करने हैं, तो सबसे पहले जगह खाली करनी है। और जो दो तख्त रखे हैं तो अभी रखे ही हुए हैं, और गोलू बीच बीच में ऐसी बात बोल देता है कि सच में बहुत हंसी आती है। बोला था कि सब कुछ एक ही कमरे में भर दो, कमरे को बंद कर दो, खोलना ही नहीं है, तो कोई सामान निकालना ही नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा फिर सामान रखने का फ़ायदा ही कौन सा है जो सामान सब भर के बंद करना है। तो बोले थे और क्या, बस यहाँ लोग ही चल रही हैं बातें। और मैं पहले तख्त सेट कर देती हूँ, और यहाँ तख्त पड़ा हुआ है तो अभी हाल फिलहाल इसलिए रखें क्योंकि गेस्ट वगैरह आते हैं तो फिर लेटने के लिए भी दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ रखा हुआ है। और ऐसा करेंगे जैसा आप लोग बोल भी रहे थे कि छोटा वाला जो बेड है वो उसको यहाँ डाल देंगे, दीवान बेड, और इनको अंदर पहुँचा देंगे, तो उससे क्या है ना कि जगह भी कम घिरेगी और दोनों चीज़ अच्छे से सेट हो जाएंगी, इस तरफ बेड भी डल जाएगा, उस तरफ सोफ़ा भी। लेकिन अभी तख्त पड़ा हुआ है क्योंकि इसमें स्पेस इतना है कि वैसे दोनों चीज़ भी आराम से आ जाएंगी, यहाँ तख्त भी पड़े रहेंगे, उधर सोफ़ा भी अच्छे से सेट रहेगा। तो हाल फिलहाल तो अभी तख्त यहाँ है ही, फिर देखते हैं क्योंकि अभी से उठाना रखना सोफ़ा तो आ गए हैं, बट अब सोफ़ा लगे कैसे, लगे हैं लगाने के लिए। और हमें तो समझ में नहीं आ रहा कैसे लगाऊं, कहाँ लगाऊं, क्योंकि तख्त भी रखना है ज़रूरी, क्योंकि गेस्ट वगैरह से आ जाते हैं तो लेटने के लिए भी दिक्कत होती है, अंदर थोड़ी सी आएंगे, मतलब बाहर रहना ही रख, मतलब तख्त तो रखना ही रखना है, लेकिन सोफ़ा भी हमें लगाना है ताकि सोफ़ा भी लग जाए। तो अब आप लोग भी बताइएगा कि हम कैसे लगाएं हाल फिलहाल। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारे सोफ़ा की हो रही है अनबॉक्सिंग, तो आप लोग भी देख लीजिए कि कलर कैसा है जो मैंने पसंद किया है, और मुझे यही सबसे ज़्यादा अच्छा पसंद आया। तो एक तो खोल लिया है, बाकी अभी खोल रहे हैं, और पैक भी इन्होंने इस तरीके से किया है मानो इसको खोलना ही नहीं पड़ेगा, एकदम पैक का पैक ही रहेगा। तो यहाँ बस इसको निकाल रहे हैं, और मैंने ना इसका कलर भी अपने मैचिंग के अकॉर्डिंग ही छाटा हुआ है, और इसकी जो रेगजीन है मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने ये वाला पसंद किया। और जो ऊपर है ये दोनों, इनका भी आप लोग देख लीजिए कलर, डिज़ाइन, ये सब चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, सिंपल भी है और लुक भी बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ देखिए सारे सोफ़ा खोल दिए गए हैं, तो देखिए अब पूरा लुक कितना अच्छा लग रहा है। उसके इसके स्टोन है ना भी काफ़ी सुंदर है और बहुत मतलब मजबूती से लगे हुए हैं। तो देखिए यहाँ गोलू का होने लगा आराम तुरंत, मतलब खोलते ही। सो फ्रेंड्स, देखिए आप लोग काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि दीदी सोफ़ा ले लीजिए, सोफ़ा ले लीजिए, तो फाइनली मैंने सोफ़ा ले लिया है। और आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, हाल फिलहाल लगा लिया है, अगर आप लोग बताएंगे कि किस तरीके से लगाना है तो मैं उस तरीके से ही लगाऊंगी, अभी हाल फिलहाल ऐसे डाल दिया है क्योंकि उस साइड तख्त भी है, तो देखते हैं कैसे लगाएंगे, अभी तो फिलहाल लग गया है। और समझेंगे कि अगर उस वहाँ से तख्त हटाना होगा तो अंदर वाला सिंगल बेड डाल देंगे और इसको वहाँ पहुँचा देंगे, फिर आप लोग बताइएगा कि कैसे लगाएं हम। मुझे तो जैसा समझ में आया था मैंने लगा दिया, लेकिन आप लोग भी गाइडलाइन मुझे ज़रूर दीजिएगा। और मेरा सोफ़ा और ये मेरी टेबल कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अब आप लोग बोल रहे हैं ये ले लीजिए और ये ले लीजिए,
तो बस धीरे धीरे ऐसे लेती जाऊंगी, एक एक सामान इकट्ठा तो शायद नहीं ले पाऊं, लेकिन हाँ धीरे धीरे मैं लेती जाऊंगी। आप बस बताते जाइए, मुझे पीछे से धक्का मारते जाइए, मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। धक्का की जरूरत है क्योंकि दिमाग में नहीं चलता ना कि क्या लेना क्या नहीं लेना, ऐसे धीरे धीरे लेती जाऊंगी बजट के हिसाब से। तो फाइनली सोफा आ गया, अब इसके लिए कवर और लेके आऊंगी। और बताइएगा इनमें, वैसे दुकान वाले बोल रहे भैया कि मैं कवर की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रैक जिम में है, लेकिन आप लोग बताइए कि दीदी इसमें कवर में डालूं, कवर से क्या सेफ्टी रहेगी। तो मैं सोच रही मैं इनके लिए कवर ले आऊंगी। वो बोल रहे थे कि कवर की जरूरत नहीं है क्योंकि रेड जीन है, बस एक कपड़ा मारना है साफ हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कवर इनके लिए लाऊंगी। तो बस यही है मेरी छोटी सी शॉपिंग जो मैंने आज आप लोगों को दिखाई, और मैं पूरा रूम दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से डेकोरेट करके रखा हुआ है, कहाँ मैंने कैसे क्या लगाया है। और यहाँ देख लीजिए टेबल, हम लोग ये ना अलग से पसंद करके लाए हैं, और ये सच में बहुत ही इसका लुक अच्छा लग रहा था हम लोगों को, और मजबूत भी है बहुत। देखिए कलर भी इसका और डिज़ाइन भी, और प्लस इसकी मजबूती भी। और देखिए इसमें ड्रॉवर भी बने हैं, कुछ सामान रखने का, तो गिरने का भी डर नहीं है, आराम से यहाँ लगा रहेगा। बाकी पॉट अगल बगल वहाँ रखे हुए हैं साइड में। अरे और हाँ देखिए पूरे कमरे का व्यू इस तरीके से, और जो हमारे सोफ़ा का कलर मैंने बताया ना एकदम पर्दों के अकॉर्डिंग है, ऊपर सेलिंग में भी हो रहा है ये कॉफ़ी कलर। और यहाँ देखिए हमारे सोफ़ा की हुई है अनबॉक्सिंग, तो भाई मीठा बनाना तो बनता ही है, तो दूध रखा ही था तो मैंने कहा मैं इसका खोया बना लेती हूँ, और मैं बनाऊँगी इसका केक, मतलब ऐसा नहीं दानेदार केक एकदम जो मार्केट में मिलता है बिल्कुल वैसा ही बनाऊंगी। तो यहाँ मैं दूध को हल्के हल्के से चला रही हूँ, और इस तरीके से दूध को चलाना है कि इसमें हल्के हल्के से मतलब दूध फट भी जाए। तो इसमें मैं दो चार ड्रॉप मैंने नींबू की डाली है, नींबू के रस की, जिससे दूध हल्का हल्का फट जाए। देखिए इस तरीके से दूध फटा है, हल्का हल्का ज़्यादा नहीं, और इसी तरीके से चलाते जाना है तो हमारा दूध गाढ़ा भी होता जा रहा है। और जब दूध गाढ़ा हो गया ना तो यहाँ मैं कुछ घी भी डाल रही हूँ, और ये घी मेरा घर का ही है शुद्ध घी, तो इसमें पीलापन दिख रहा होगा आप लोगों को क्योंकि ये गाय का ही घी है इसलिए ये एकदम पीला है। तो इसमें मैं घी डालती जा रही हूँ, चलाती जा रही हूँ, इससे क्या है ना कि जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा इसमें घी अपने आप छूटता जाएगा, और इसके एकदम वो वाला मावा नहीं बनेगा, उस तरीके का बनेगा जिसमें एकदम घी छूटता है और दानेदार बिल्कुल बनता है। तो मैं दानेदार मिल्क केक बनाने वाली हूँ। तो यहाँ दूध मेरा गाढ़ा हो चुका है, तो यहाँ मैं चीनी डाल रही हूँ, चीनी की क्वांटिटी कम ही रखनी है, तो यहाँ मैं हल्की हल्की डालती जा रही हूँ, चलाती जा रही हूँ ताकि चीनी इसमें मेल्ट होती जाए। तो हाँ यहाँ देखिए मेरा दूध जो है एकदम धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा है, यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा करके चीनी डाली दी, और चीनी मैंने बताया ना ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है, थोड़ी ही डालनी है, वो भी थोड़ा थोड़ा करके डालनी है, और दूध को चलाते रहना है गाढ़ा जिससे होता जाए। और जैसे ही गाढ़ा ये अच्छे से होता जाएगा तो एकदम इसमें दाने अपने आप बन जाएंगे। और यहाँ मैंने ले लिया एक लंच बॉक्स, उसमें लगा दिया घी मैंने, क्योंकि इसी में पूरा जितना हमने बनाया है पेस्ट इसी में डाल के जमा देंगे। तो मैंने यहाँ लंच बॉक्स में सारा डाल के जमा दिया है, ऊपर से पिस्ते से डेकोरेट कर दिया। आप और भी कोई भी ड्राई फ्रूट्स और से भी डेकोरेट कर सकते हैं। और बस मैं इसे फ़ैन के नीचे रखने जा रही हूँ, और बस एक घंटे के लिए छोड़ दूँगी, इसके बाद में जो अच्छे से सेट हो जाएगा ना तब हम इसे कट कर लेंगे चाकू से। और ठंडा होने के बाद आप फ्रिज में भी थोड़ा देर रख सकते हैं, उससे और ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आएगा और अच्छे से सेट भी हो जाएगा। तो हाल फिलहाल अभी मैं फ़ैन में रख रही हूँ क्योंकि गर्म है, इसलिए फ्रिज में नहीं रखूँगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स साइड में हमने इस तरफ तखट डाल दिए हैं, पहले ये इस तरफ था दरवाजे की तरफ, लेकिन यहाँ डाल दिया है, और इसी के इस तरफ सोफ़ा है, तो दोनों चीज़ आराम से बन गई। और ऊपर का आप देख लीजिए सेडिंग का जो कलर है, हमारे यहाँ कॉफ़ी कलर ही हो रहा है पूरे में, तो कॉफ़ी कलर के मैच से ही मैं
सोफ़ा भी लाई हूँ, उसी कलर के पर्दे भी, यानी कि सारी चीज़ मैचिंग ही, पंखे भी हैं। साथ में करती हूँ मैं ब्लॉग की एंडिंग। और विराज का ब्लॉग कैसा लगा? थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा भाई, लाइक तो जरूर बनता है। मेरे फैन हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस कोई मिस ना हो। यू ही आप तक पहुँचते रहे, मिलते हैं एक अच्छे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।